असलमकुम नाजरीन मैं हूँ मोहम्मद बिलाल आप देख रहे हैं बिलाल कांजू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नाजरीन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे तेल की एक शाखदार किस्म जिसे आप टी एस फाइव के नाम से जानते हैं मैंने पहले एक वीडियो अपलोड की टी एच सिक्स के हवाले से जो सिंगल स्टेम होती है इसे हम तिल्ली भी कहते हैं तो कमेंट्स में एक दोस्त का कमेंट आया कि फैसलाबाद में तो धड़ाधड़ टी एस फ़ाइव का सीड सेल हो रहा है ज़्यादा लोग इसे काश्त कर का रहे हैं तो इसके बारे में भी बताएं। पहली बात तो यह है कि टी एस फाइव एक बेहतरीन किस्म है यानी अगर पैदावार पोटेंशियल की बात करें तो टी एस फाइव का टी एच सिक्स से ज़्यादा है फ़र्क यह है कि जो टी एस फाइव है ये लंबे कद वाली वैरायटी है तकरीबन एक सौ पैंसठ सेंटीमीटर तक इसकी लंबाई जाती है और इसका जो पौधा है वो शाखदार होता है एक पौधे के ऊपर चौदह पंद्रह ब्रांचेस भी होती हैं और फी पौधा तकरीबन तीन सौ से लेकर साढ़े तीन सौ तक फलियाँ लगती हैं जिन्हें हम कैप्सूल कहते हैं और जो एक यील्ड पोटेंशियल होता है वो इसका साढ़े तेईस मन तक रिकॉर्ड किया गया है अगर हम आम नॉर्मल हालात में जो हम तेल की काश्त करते हैं एक बोरी डीएपी अगर डाल देते हैं कोई आधी एक बोरी यूरिया इस्तेमाल कर लेते हैं पोटाश वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते तो इस कंडीशन में जो तेल काश्त किए जाते हैं तो ओवरऑल जो बाकी अकसाम है इसकी अयूब रिसर्च फैसलाबाद की तो उनमें सबसे ज़्यादा जो एवरेज पैदावार देती है वो यही किस्म देती है यानी पंद्रह मन तक इसकी एवरेज पैदावार ली गई है जबकि पोटेंशल तो इसका साढ़े तेईस इस मन तक है और जो टी एच सिक्स है उसमें जो एवरेज पैदावार है वो दस मन तक नौ दस मन तक रहती है यानी कि हर बंदा चौदह पंद्रह मन पैदावार नहीं ले सकता कि जो टी एस फाइव है इसमें ऑयल कंटेंट काफ़ी कम है यानी अगर पाँच ग्राम बीज में से तेल निकाला जाए तो ये एक रिसर्च ट्रायल का डाटा जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ट्रायल में जो पाँच ग्राम बीज है टी एस फाइव का उसमें से जो ऑयल रिकवर हुआ वो हुआ सैंतालीस मिलीग्राम, जबकि टी एच सिक्स में से पाँच ग्राम बीजों में से ऑयल रिकवर हुआ अट्ठासी मिलीग्राम कहीं पर बहत्तर मिलीग्राम अगर तेल की मकदार की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा तेल की मकदार पाई जाती है टी एच सिक्स में फिर इससे कम पाई जाती है तेल एटी नाइन में फिर उससे कम टी एच थ्री में तेल के हवाले से ये आखिरी नंबर पर आती है लेकिन इसकी जो पैदावार सलाहियत है वो भी बेहतर है और इसमें ख़ास कर जो चार कोल राट की बीमारी लगती है और इसके अलावा जो फाइलोडी की बीमारी आती है तो उसके ख़िलाफ़ इसमें टी एस एस की नस्बत काफ़ी अच्छी कुत मज़ामत है हालांकि लंबे क़द की है लेकिन इसके अंदर इतनी ज़्यादा लॉजिंग का भी इशू नहीं आता लॉजिंग की भी रजिस्टेंस है और जैसे मैंने अपनी पहली वीडियोस में बताया है कि टी एस एस के ऊपर जो सब्ज तेला है और मेरे बागे उसका शदीद हमला होता है तो टी एस फाइव के ऊपर चुस्त तैला और सफ़ेद मक्खी इसका हमला बाकी अकसाम की नस्बत कम होता है बस इसका जो थोड़ा सा इशू है वो ये है कि इस पे जो फूल आना शुरू होते हैं वो 40 से 45 दिन बाद आते हैं और ये 120-25 दिन में पक कर तैयार होती है फ़ैलाव ज़्यादा होता है लिहाजा इसे अगर कतारों में काश्त किया जाए और डेढ़ किलोग्राम बीज इस्तेमाल किया जाए वो भी डिपेंड करता है ज़मीनी साफ के हवाले से मौसमी हालात के हवाले से यानी इसकी प्रॉपर छिदराई की जाए दो दफ़ा गोडी कर ली जाए तो फिर इससे बेहतरीन पैदावार ली जा सकती है यानी जो हम भरपूर फसल लेना चाहते हैं ये जो हम टी एच सेक्स गंदम के बाद या इस दरमियान में जो जुगाड़ लगाते हैं ये तो हम जस्ट एक इजाफी फसल लेते हैं ना वो इलाका जात जहाँ पर तेल को बतौर एक पूरी फसल काश किया जाता है फिर उसके बाद वो कैनोला वगैरह को चीज़ लगाते हैं या गंदम लगाते हैं तो वहाँ पर तो ये बेहतरीन परफॉर्म करती है और जो रिसर्च ट्रायल है उनमें भी जो खासकर गर्म इलाका जाते हैं जैसा कि भावलपुर का एरिया यहाँ पर रिसर्च ट्रायल किए गए तो तेल एटी नाइन टी एस थ्री टी एच सिक्स टी एस फाइव ने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया लेकिन कास्ट इसकी जो है वो जून के आखिरी पंदवाड़े से लेकर पंद्रह जुलाई तक की गई तो अगर आपको टी एस फाइव का भी बीज मिलता है तो इसके काश्त करने में कोई मुजायका नहीं आप इसे लाइनों में काश्त करें फी एकड़ पौधों की तादाद जो है उसे मेंटेन करें छिदराई करके पौधे से पौधे का फासला पाँच से छः इंच रखें कतार से कतार का फासला मिनिमम कम से कम डेढ़ फुट रखें वैसे इसमें मैं सिफारिश करता हूँ कि दो फुट होना चाहिए तो फिर आप इससे बेहतर पैदावार ले सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपकी दस मन या चौदह मन या पंद्रह मन आए हो सकता है बाद दो अठारह मन भी ले जाते हैं लेकिन मैं बात कर रहा था कि इसका जो एवरेज पोटेंशियल है फील्ड का वो चौदह पंद्रह मन आराम से आ जाता है जबकि जो टी एच सिक्स का है उसकी एवरेज इतनी नहीं है उसमें एवरेज काफ़ी डाउन चली जाती है